नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह मैं आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देता रहता हूँ। आज जो विषय है वो है टू साइड ओपन, यानी कॉर्नर का प्लॉट। प्लॉट के साउथ में भी गली लगती है और वेस्ट में भी गली लगती है। साउथ की मेन गली है और वेस्ट की सर्विस लेन है। या आपकी वेस्ट की गली चौड़ाई में कम है, या आपका जो मेन रोड है वो साउथ में है और आप साउथ में फ्रंट बनाना चाहते हैं, ऐसे में आपने वास्तु के अनुसार किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपने यहाँ मेन गेट जो बनाना है, मेन गेट साउथ ईस्ट के भाग में लगाना है। आपको अपने यहाँ पर दूसरा गेट लगाना है तो आप दूसरा गेट साउथ सेंटर में भी लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में गेट लगाना वास्तु के अनुसार गलत माना गया है, इसलिए साउथ वेस्ट के भाग में साउथ की दीवार पर या वेस्ट की दीवार पर आपने कोई भी गेट नहीं लगाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पानी की बोरिंग कहाँ लगानी है। पानी की बोरिंग आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में ईस्ट की दीवार के साथ पानी की बोरिंग लगानी है। हार्वेस्टिंग टैंक आपने कहाँ बनाना है। हार्वेस्टिंग टैंक भी ईस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपका हार्वेस्टिंग टैंक बनेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर पानी के अंडरग्राउंड टैंक कहाँ बनाने हैं। पानी के अंडरग्राउंड टैंक आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ पर आपने पानी के अंडरग्राउंड टैंक बनाने हैं। पानी के अंडरग्राउंड टैंक बनाते समय आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपका फर्श का लेवल बनेगा उस फर्श के लेवल से आपने पानी के अंडरग्राउंड टैंक की ऊंचाई नहीं करनी है। जो फर्श का लेवल आपका यहाँ रहेगा उसी के लेवल में आपके पानी के अंडरग्राउंड टैंक बनेंगे। मतलब जो आपके पानी के टैंक बनेंगे, जो पानी के टैंक के ऊपर की स्लैब आएगी वो भी आपके फर्श के लेवल के बराबर हो या हल्की सी नीची हो सकती है। किसी भी कीमत पर आपने इसे ऊंचा नहीं करना है। और साथ में ध्यान रखना है, जो आप पानी के टैंक के लिए ढक्कन लगाएंगे वो ढक्कन भी आपने ऊंचा करके नहीं लगाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर लिफ्ट और स्टेयर्स कहाँ बनानी है। लिफ्ट और स्टेयर्स आप अपने यहाँ पर वेस्ट जोन में, यानी पश्चिम दिशा में ही आपने लिफ्ट और स्टेयर्स बनानी है। यहाँ पर स्टेयर्स बनाते समय, लिफ्ट लगाते समय ध्यान रखना है, स्टेयर्स हमेशा ही क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। अब मैं आपको बताऊँगा जो आपकी वेस्ट में पश्चिम दिशा में गली है, सड़क है, वहाँ पर आपने गेट कहाँ लगाना है। वहाँ पर आपने गेट वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर ही गेट लगाना है। ध्यान रखना है यहाँ पर भी गेट लगाते समय जो आपकी बाउंड्री वॉल है उसके बराबर ही आपका मेन गेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक मीटर आपने कहाँ लगाना है। इलेक्ट्रिक मीटर आपने साउथ ईस्ट में ईस्ट की दीवार के साथ इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है। और फर्श की ढलान आपने कहाँ करनी है। फर्श की ढलान आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर और वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर और ऐसे ही साउथ ईस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने फर्श की ढलान करनी है। यानी साउथ वेस्ट से चलते हुए पानी बहता हुआ नॉर्थ ईस्ट की ओर आना चाहिए। इसके बाद जब पानी नॉर्थ ईस्ट के भाग में आ जाता है, जो पानी हार्वेस्टिंग टैंक में जाना है वो हार्वेस्टिंग टैंक में चला जाएगा। उसके बाद जो पानी एक्स्ट्रा बचेगा वो पानी आपका नॉर्थ की दीवार के साथ नॉर्थ वेस्ट के भाग में निकाल देंगे। ऐसे ही आप ईस्ट की दीवार के साथ साउथ ईस्ट की ओर भी आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं। आप वास्तु के अनुसार अपनी बिल्डिंग में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपने कहीं से भी पैसा हाथ उधारा लिया है, बैंक से लिया है या आपने किसी रिलेटिव से लिया है, वो पैसा भी आपका जल्दी करके उतर जाएगा। और साथ में जो आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी विघ्न के आपकी पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। आपको वास्तु के नियमानुसार इन बातों का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी शेयर करता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।